वाह मजा आ गया। ओ देख ओ बच गए गए गए। हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो GTA 5 के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे पास है ये लैंड रोवर डिफेंडर जो कि है 110 मॉडल। ये है 5-डोर वेरिएंट और इसी के साथ हम जाएंगे आज एक ड्राइव पे। तो माइकल को ट्रेवर से कुछ काम था तो आज हम उसी के घर जाने वाले हैं। बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। बैठ जाता हूँ गाड़ी के अंदर। गाड़ी है ये डुअल टोन में, गोल्डन और ब्लैक का जो शेड है बहुत ही बेहतरीन। गाड़ी को कर लेता हूँ स्टार्ट। निकलते हैं आज हम इस ड्राइव पे। क्या खूबसूरत लग रही है यार। तो आज हम हर बार की तरह POV और साथ ही साथ जो थर्ड पर्सन है उसमें ड्राइव करेंगे। शहर में आज यार ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा कम ट्रैफिक है। चलो कोई नहीं, खैर हमारे लिए अच्छा है। हमारी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है, एकदम नई नवेली। और मैंने नोटिस किया कि यार हमारा जो फ्यूल है वो भी काफ़ी कम है, तो हम सबसे पहले जाके फ्यूल भरवाएंगे, अपना टैंक ये फुल करवाएंगे और फिर उसी के बाद हम हाईवे से जाते हुए ट्रेवर के घर पहुंच जाएंगे। तो सिग्नल तो हम फॉलो करेंगे नहीं हर बार की तरह। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे शहर के अंदर धीरे चलाऊंगा, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाऊंगा क्योंकि यार गाड़ी एकदम नई है तो हम नहीं चाहते कि कोई भी नुकसान हो। यहाँ से हम ले लेंगे लेफ्ट और फिर हमें जाना है नीचे की तरफ। बहुत ही आराम आराम से इसको हम ले आए यहाँ तक। आगे से बहुत ज़बरदस्त लग रही है। तो हम फटाफट से टैंक फुल करा लेते हैं, देखते हैं कितना। $29 का सिर्फ 22 लीटर फ्यूल। चलो कर दे भाई फुल, इसके बाद हमें लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। तो अब हम जैसे ही हाईवे पे निकलेंगे ना तो मैं इसको व्यू जो है POV मोड में कर लूँगा। अंदर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये गाड़ी लग रही है, तो वो मैं चाहता हूँ आप लोग भी देखो। निकलते हैं। आसपास देखते हुए कोई भी नहीं है यार। इसका कलर कितना प्यारा है यार, इंटीरियर भी सेम कलर का है, बहुत मस्त लग रही है मेरे को ये गाड़ी। तो हाईवे की जो ड्राइव है इस पे इसकी परफॉर्मेंस का भी टेस्ट हो जाएगा कि इसकी टॉप स्पीड कितनी है। हैंडलिंग तो बहुत सही है इसकी, बिल्कुल पकड़ बना के चल रही है ये। तो आप लोग बताओ आप लोगों को ये गाड़ी कैसी लगी, इसका कलर कैसा लगा। और हाँ, चैनल पे नहीं हो चैनल को कर दो फटाफट से सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक अगर पसंद आ रही हो, कमेंट सेक्शन में कर दो कमेंट और कर दो इस गाड़ी की तारीफ, मज़ा आ जाए भाई। ट्रैफिक वहाँ पे तो नहीं था, शहर में हाईवे पे थोड़ा सा बढ़ गया है ट्रैफिक। ओ हमें काफ़ी संभल के चलाना होगा, हम एक्चुअली बाकी लोगों से थोड़ी ज़्यादा तेज़ चला रहे हैं गाड़ी। यहाँ एकदम से कोई मुड़ ना जाए, बस कोई भी मुड़ जाता है यार इस जगह पे। और हम हाईवे पे काफ़ी हद तक आ चुके हैं और मैं इस मोड को कर लेता हूँ थोड़ा सा चेंज। इंटीरियर देखो आप लोग यार, इसका इंटीरियर कितना बढ़िया। मैं थोड़ा सा धीरे चलाऊंगा, अब देखो सेम कलर है, क्या खूबसूरत इसका इंटीरियर है। आगे की डिस्प्ले देखो आप, जिस पे लैंड रोवर बनी हुई है, बहुत ही बेहतरीन गाड़ी और मुझे चलाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो अब हम थोड़ी सी स्पीड गेन करते हैं
और देखते हैं इस गाड़ी का जो टॉप स्पीड है वो कितना है। मुझे तो लग रहा है ये भी पिछली बार की तरह जो हमने फॉर्च्यूनर 200 टच कराई थी इसको भी इजीली कर जाना चाहिए, बट मुझे थोड़ा सा यहाँ पे रूम नहीं मिल रहा है जिससे मैं इस गाड़ी को टॉप स्पीड पे भगा सकूँ। थोड़ा सा और जो हाईवे आगे जाके लेन जो हैं चौड़ी हो जाती है तो वहाँ पे जाके हम टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि 165 तो मैंने यहीं पे भगा दी। इसके यार जो ओहो एकदम से काली गाड़ी, एकदम कुछ दिखाई नहीं दिया इसके जो ओहो यार। हाँ मैं कह रहा था इसके जो ORVM है वो कितने ज़्यादा बड़े हैं, मस्त मुझे पूरा अच्छे से पीछे का नज़ारा दिख रहा है कौन सी गाड़ी आ रही है कौन सी नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। दूसरे गियर पे मैंने इसको 123 भगा दिया भाई, मज़ा आ गया। ये जो GPS है मुझे ड्राइवर के घर का रास्ता कहीं और से दिखा रहा था, बट हम हाईवे से होते हुए जाएंगे हमारे लिए काफ़ी आसान पड़ेगा। थोड़ा सा ट्रेवर का घर दूर है क्योंकि हम रहते हैं शहर में और ट्रेवर रहता है बाहर आउटर में जो कि है कंट्री साइड, तो इसीलिए रास्ता थोड़ा सा लंबा है। और इस गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव में तो कोई थकने की बात ही नहीं है, इतना कंफर्ट है, मज़ा ही आ जाता है इसको चलाने में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो चैनल पे, वीडियो को कर दो लाइक, कमेंट कर दो यहाँ पे फटाफट से, मैं इसी तरह की बहुत ही बेहतरीन वीडियोस अपने इस चैनल पे लाता रहता हूँ। मैप हमें कोशिश कर रहा है आसान से आसान रास्ता दिखाए, बट नहीं हम तो जाएंगे हाईवे से। और हाँ अगर इस गाड़ी से आपको ऑफ रोड टेस्ट देखना है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो आप देख ले तो कमेंट करते नहीं हो तो वो यार कर दिया करो, मुझे भी अच्छा लगता है। अरे यार यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया अभी तक। अरे भाई एकदम से क्या हो गया इसको, एकदम इतना ज्यादा मेरे आगे आ गया था, पागल तो नहीं है। यहाँ से निकलते हैं अब बिल्कुल क्रॉस करते हुए। हाईवे अभी भी हमारा प्रॉपर वाला हाईवे आया नहीं है, ये जो लेन्स हैं ये लेन तो बड़ी हैं बट सिर्फ दो लेन ही है, तो आगे चल के हमें हाईवे और भी ज़्यादा लेन्स मिल जाएंगी उसमें, तो वहाँ पे और ज़्यादा हमें भगाने में मज़ा आएगा। इस गाड़ी को साइड दे दो भाई, मेरे को निकलने दो। शहर में बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, बाहर हाईवे पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, मुझे लग रहा है आज लोग सब घूमने निकले हैं, अपने अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं जैसे हम अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, तो इसीलिए शहर में भीड़ बहुत कम थी। रेड लाइट पे सब रुके हैं बट हम जंप करते हुए, और ये थोड़ा सा हाईवे अब आ गया है काफ़ी बढ़िया, अब मज़ा आएगा भगाने में। वाह 180 तो ये 190, वाह बहुत इजीली 200 तो मुझे लग रहा है चौथे गियर पे ही चली जाएगी। फॉर्च्यूनर छठे गियर पे गई थी, ये चौथे गियर पे ही 200 क्रॉस कर गई, वाह मज़ा आ गया। ओ देख ओ बच गए 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 भाई गए। चलो भाई बिल्ड क्वालिटी भी इसकी टेस्ट हो गई, मैं पीछे ले आता हूँ इस गाड़ी को नीचे। ओ भाई साहब यार कुछ हुआ नहीं यार, इस गाड़ी ने बचा लिया हमें। मैं थोड़ी सी इसको साइड पे लगा लेता हूँ, बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट था यार, एकदम से मुड़ गया आगे से, एकदम से मुड़ गया और मैं चला गया आसमान में। भाई मुझे तो नानी याद आ गई थी। तो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं गाड़ी को कितना डैमेज हुआ है, गाड़ी को तो ख़तरनाक डैमेज हुआ होगा यार। यार कुछ खास डैमेज हुआ नहीं यार इस गाड़ी को साइड से। ओ भाई साहब साइड से तो हो गया डैमेज बट यार इसने हमारी जान बचाई, बिल्ड क्वालिटी तो लाजवाब बिल्ड क्वालिटी। हम भाई इसके पूरा ऊपर चले गए थे भाई, वहाँ जाके पटरी पे खड़े हो गए थे, मैं तो इसलिए फटाफट नीचे आया कि ये ट्रेन आके हमें ना मार देती, ट्रेन मार देती तो दिक्कत हो जाती, बट यार काफ़ी हद तक इसने हमारी जान बचा दी। वाह लैंड रोवर तेरी बिल्ड क्वालिटी के तो क्या ही कहने। तो अभी मैं अपने
ये हमारा खुद का गाड़ी का साइलेंसर है क्या भाई? मुझे लग रहा है हमारी गाड़ी का साइलेंसर है या फिर किसी और गाड़ी का। कितना लो क्वालिटी साइलेंसर तो नहीं हो सकता। नहीं यार हमारे तो लगे हुए हैं एग्जॉस्ट, हमारी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई। भाई साहब मैं तो हैरान हो गया था। चलो एनीवेज मुझे यहाँ पे एक मैकेनिक पता है। हम आगे क्या है हमारे? ओहो अब तो डैमेज हो गई है। एनीवेज कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे ले लेता हूँ। मेरा एक मैकेनिक है वो आ जाएगा। जैसे पहले हमने अपनी यूरोस ठीक करवाई थी तो ये गाड़ी भी हम उसको बुला के ठीक करा लेंगे। कोई बात नहीं, मैं उसका जो गैराज है वो थोड़ा सा आगे जाके है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ इसका हम जो है व्यू वो चेंज कर लेते हैं। भाई डैमेज तो हुई है गाड़ी, हमारी जान इसमें बचा दी वो बहुत ही बढ़िया हो गया, बट डैमेज हुआ है गाड़ी को। और चल इतनी बढ़िया रही है, अभी चलने में कोई दिक्कत नहीं है अभी भी इस गाड़ी को। भाई यार एकदम से आ गया 200, तो हमने इसको टच करा दी थी, देखा स्पीडिंग करने का नतीजा। तो भाई ड्राइव सेफ, कभी ऐसे तेज़ गाड़ी मत चलाया करो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पीछे से गाड़ियाँ आई जा रही हैं तो मुझे रास्ता थोड़ा सा कम मिल रहा है, अब मिल गया रास्ता। तो मेरा जो मैकेनिक फ्रेंड है मैं उसको बुला लेता हूँ साइड पे, रोक के यहीं पे रोक लेता हूँ, वो आ जाएगा मेरी गाड़ी को वो कर देगा ठीक। तो गाड़ी हमारी हो गई है ठीक, अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। ट्रेवर से मिलने जा रहे थे हम और उसको बताएंगे हमारे साथ क्या हुआ रास्ते में। बाकी गाड़ी चलने में बहुत बेहतरीन है, गाड़ी पूरी ठीक कर दी यार उसने। उसने यूरोस ठीक करी, उसमें उसको थोड़ी सी मुश्किल आई थी, बट इस गाड़ी को तो उसने चुटकियों में ठीक कर दिया, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। मेरे ख्याल से और भी उसने ये वाली गाड़ी ठीक करी है तभी उसको कोई दिक्कत आई नहीं। चलो अब हम इसको, हमने 200 तो टच करवा दिए बट हमारा एक्सीडेंट हो गया। हालांकि ये 200 ईजीली क्रॉस कर जाती, ओह सॉरी 250 ईजीली क्रॉस कर जाती, कोई दिक्कत ना आती इस गाड़ी को। और हमारे फ्रेंड ट्रेवर का घर बस आने वाला है, हमें यहाँ से मुड़ना है राइट। हम अपना मोड चेंज कर लेते हैं, इंडिकेटर देखो इसके मस्त इंडिकेटर जल रहे हैं तो यहाँ थोड़ा थोड़ा सा धीरे चलाएंगे। यार भाई मेरे को तो, मैं तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था जब हमारा एक्सीडेंट हुआ, मुझे लगा बेटा हो गया काम आज तो पर बच गए। एनीवेज हमारी जान बच गई, ये बहुत बड़ी बात है। ड्राइवर के घर के पास हम लगभग पहुंच चुके हैं। और हाँ इस गाड़ी से अगर आपको ऑफ रोडिंग की वीडियो देखनी है तो कमेंट कर दो फटाफट, मैं अगला एपिसोड ऑफ रोडिंग का बना दूंगा। आपने फॉर्चूनर वाली वीडियो में भी नहीं बताया कि आपको उससे ऑफ रोडिंग देखनी है, हालांकि मैं उसकी ऑफ रोडिंग वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत ही जल्द। तो चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। ये आ गया ट्रेवर का घर, ट्रेवर के घर पे कोई और भी आया हुआ है। ओ भाई साहब ये क्या हो गया, बम फट गया कहीं आसपास? ओ भाई ट्रेवर बाहर है, ये मुझे लग ही रहा था ट्रेवर का ही काम है, वो देखो शराब पी रहा है अभी भी। ट्रेवर भाई सुधर जा भाई, कोई नहीं चलो हमारी गाड़ी सही सलामत यहाँ पहुँच गई है। तो गाड़ी को हम कर लेते हैं बंद। भाई यहाँ पे बम ब्लास्ट हो रहे हैं कोई बात नहीं, बाकी गाड़ी हमारी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में। और हाँ एक टैंक तो हमारा पी गई यार ये यहाँ तक आने में। ये रहा ट्रेवर शराब पी रहा है। ओ भाई एक ट्रेवर ही बम फाड़ रहा है, भाई तू मेरे को मत मार दियो भाई। ये रहा ट्रेवर शराब मत पी यार, भाई मत पिया कर शराब। ओ भाई 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 मेरे पे मत मार दियो भाई, ये बम फाड़ रहा है भाई। ओ देख भाई 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 मत पी भाई, मेरे को मत मार दियो बाकी मैं ट्रेवर से अब मिल लेता हूँ, काम की कुछ बात अभी तो नहीं करूँगा, इसका नशा उतर जाए थोड़ी सी ये नींद ले लेगा, उसके बाद मैं इससे काम की बात करूँगा। तो हाँ आज के लिए बस इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पे नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दिया करो। और मैं मिलूँगा आपसे ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
ट्रेवर ने अपना कारनामा जारी रखना है, तो इसके साथ हम निपटते हैं। बाकी गुड बाय। Get out!